सोशल मीडिया की एक खासियत है, अगर ये किसी को सुपरस्टार बना सकती है, किसी को फेमस कर सकती है, तो किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर भी आसानी से पेश कर सकती है। जरा याद कीजिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो कह रहे थे सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, कि इन्होंने देश के किसानों को ऐसे सपने दिखाए हुए हैं, आलू किसानों को ऐसे सपने दिखाए गए हैं कि ऐसी मशीन बनाएंगे, बनेगी कि आप एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। और इस तरह के सपने भाजपा ने दिखाए थे चुनाव से पहले, लेकिन वो उनका पूरा नहीं कर पाई। तो ये सब बातें कहीं तो थी राहुल गांधी ने भाजपा के बारे में, लेकिन वो बीच की 10 सेकंड की वीडियो चलाई गई और लोग उसको आज भी सच मानते हैं। उसी तरह आज अखिलेश यादव ने संसद में लंबी चौड़ी स्पीच दी, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो चलाई जा रही है जिसमें वो विशेषकर चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने राम भक्तों को बोला, राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वालों को चंदाजीवी बोला, जबकि जो लोग चंदा मांग रहे हैं वो तो रामलला के लिए मांग रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जो लोग इस दावे को ठोक रहे हैं, ये दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने राम भक्तों को बोला, अखिलेश यादव ने कहीं भी श्री राम का नाम तक नहीं लिया इस स्पीच में, उन लोगों का नाम तक नहीं लिया जो चंदा मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का निशाना अपनी विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी पर था, यानी कि सरकार पर था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, और सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे 2022 में उत्तर प्रदेश के, या फिर अखिलेश यादव होंगे, तो इन दोनों की ही टक्कर होगी। तो जब दोनों की टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पर तो टारगेट आएगा ही, और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा ही। और यही कारण है कि अखिलेश यादव के बयानों को सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव को इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो 2022 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, और वो जानते हैं उनको किस तरह से ये चुनाव जीतना है या फिर चुनाव लड़ना है, और उनकी रणनीति काफ़ी मजबूत है। देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा भी अपने 2017 के जो नतीजे थे उनको दोहरा पाएगी या नहीं, क्योंकि अब सत्ता में रहकर चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल होगा भाजपा के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है, उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, जहाँ पर एक बार सरकार बना ले तो 5 साल बाद भी सरकार बनानी आसान होगी। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग एक मुख्यमंत्री को 5 साल से ज़्यादा देखना पसंद ही नहीं करते, कम से कम पिछले 15-20 साल का इतिहास तो यही कहता है, क्योंकि यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलती है। विधानसभा चुनाव में जो सरकार 5 साल पहले जीतती है, 5 साल बाद वो हार जाती है। कम से कम पिछले 15-20 सालों का, या फिर जब से मुझे याद है तब से तो ऐसा ही हुआ है। 2002 में जो मुख्यमंत्री बने थे 2007 में नहीं बने। 2002 की बात करें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने सरकार चलाई थी सबसे ज़्यादा वक्त तक। 2007 में मायावती जीती, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में भाजपा जीती, अब 2022 में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।